हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटल बार क्या है, टाइटल बार पे कितने बटन्स होते हैं, उसके यूज क्या है, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही स्टेटस बार क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। टाइटल बार क्या है? खुली हुई विंडो के सबसे ऊपर में एक पट्टी होता है जिसमें खुली हुई विंडो का नाम लिखा होता है, इसलिए उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार को माउस की सहायता से स्क्रॉल करके कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। अब जानते हैं टाइटल बार के बटन। टाइटल बार में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। चलिए टाइटल बार को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूं और यहां पर एमएस वर्ड से बना हुआ एक फाइल है जिसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। अब आप देखेंगे ये जो खुली हुई विंडो है उसके ऊपर में एक पट्टी नजर आ रहा है और इस पट्टी में खुली हुई फाइल का नाम लिखा है और इसी पट्टी को कहा जाता है टाइटल बार, क्योंकि इसमें खुली हुई फाइल का नाम लिखा होता है। और डिटेल में समझने के लिए चलिए हम लोग और कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ तो देखेंगे पिक्चर ओपन हो गया है और इस पिक्चर का नाम हमें इस टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार टाइटल बार को आप लोग समझ ही गए होंगे। टाइटल बार को जानने के बाद अब जानते हैं टाइटल बार के बटन और उसके प्रयोग। टाइटल बार के राइट साइड देखते हैं तो हमको ये तीन बटन नजर आता है। पहला है मिनिमाइज, सेकेंड है रिस्टोर बटन जिसे हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं और अंतिम है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का प्रयोग करने से खुली हुई प्रोग्राम अस्थायी रूप से बंद हो जाता है और इस प्रोग्राम को बंद कर आप किसी दूसरे प्रोग्राम पर काम चालू कर सकते हैं या फिर अपने पहले ही प्रोग्राम को जिसे हम मिनिमाइज करके रखें उसे क्लिक करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड बटन है मैक्सिमाइज बटन। इस बटन का प्रयोग खुली हुई विंडो के आकार को छोटा और बड़ा करने के लिए होता है इस प्रकार से, और इसी का शॉर्टकट बटन टाइटल बार पर डबल क्लिक करने से भी ये छोटा और बड़ा होता है। या आप चाहो तो माउस पॉइंटर को कोई भी कॉर्नर पर लेके जाओ और उसे ड्रैग करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन है क्लोज बटन। क्लोज बटन का प्रयोग होता है खुली हुई प्रोग्राम को बंद करने के लिए और इसका शॉर्टकट बटन है Alt+F4। अब जानते हैं मेन्यू बार क्या है। टाइटल बार के नीचे स्थित पट्टी को मेन्यू बार कहते हैं। इसमें फाइल को यूज करने से संबंधित कमांड ऑप्शन होते हैं जिसका प्रयोग फाइल बनाने, एडिट करने, सेव करने तथा अन्य कार्यों के लिए होता है। मेन्यू बार को समझने के लिए पुनः चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं डबल क्लिक करके एमएस वर्ड। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ये खुली हुई एमएस वर्ड है उसके ऊपर में सबसे ऊपर में टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे एक जो पट्टी दिखाई दे रही है ब्लू कलर का जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस ये सब लिखा है, यही कहलाता है हमारा मेन्यू बार। और इस मेन्यू के अंदर बहुत सारा ऑप्शन होता है और इसी ऑप्शन का उपयोग फाइल के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करने के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब जानते हैं टूल बार क्या है। टूल बार एक तरह से शॉर्टकट कमांड या मेन्यू होता है जिसका प्रयोग अपने कार्य को आसान बनाने व शीघ्र करने के लिए होता है। टूल बार को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं पुनः एमएस वर्ड पर और यहाँ पर आप देखेंगे मैं नया फाइल बनाने के लिए Ctrl+N बटन प्रेस कर देता हूँ। नया फाइल लिखते हैं कुछ। अब यहाँ पर जैसे जय माता दी मैं लिख दिया हूँ। अब इस आप कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं तो करते क्या है, या तो Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे या फिर ये ऑफिस बटन में जाके सेव में जाके क्लिक करते हैं या फिर फाइल को सेव करने का शॉर्टकट माध्यम है टूल बार। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक बस करते हैं तो आपका सीधा फाइल नेम सेव ऑप्शन आ जाता है और सेव कर लेते हैं। टूल बार का प्रयोग अपने कार्य को आसान बनाने और शीघ्र करने के लिए होता है। आगे डिटेल में और समझेंगे, अभी के लिए इतना ही। अब जानते हैं स्टेटस बार क्या है। खुली हुई विंडो के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक पट्टी होता है जिसका प्रयोग कर्सर की जगह और फाइल का स्टेटस चेक करने के लिए होता है, उसे स्टेटस बार कहते हैं। तो खुली हुई एमएस वर्ड विंडो के सबसे निचले हिस्से पर देखेंगे एक पट्टी नजर आता है और यही पट्टी कहलाता है स्टेटस बार। कर्सर का स्टेटस बताता है, अभी मेरे एमएस वर्ड विंडो में एक ही पेज है तो यहाँ पर देखो उसका स्टेटस बता रहा है 1/1। कितना शब्द लिखा गया है, 3। जैसे मैं Ctrl+Enter
करके एक पेज और ले आता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर दो पेज हो गया और जिसके दूसरे पेज पर आपका कर्सर है और इसी कर्सर को मैं फर्स्ट पेज में क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे यहाँ स्टेटस बार में बता रहा है 1 or 2 मतलब आपका कर्सर फर्स्ट पेज पर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी क्लिक कर लेंगे ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।